ना, आप तो कन्वर्सेशन कर रहे हो, इतना शानदार एग्जाम देखा था आज तक, जितना अच्छा बीपीएससी ने लिया है, कहीं से कोई शिकायत आई? सरकार को काम करने दीजिए, सरकार ठीक से काम कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेरोजगारों के आश हमारी सरकार पूरी करेगी, और जिनको देना 2 करोड़ तो उनके बारे में तो कोई सवाल करता है, तो आप लोग को हिम्मत भी नहीं है करने। सोशल मीडिया वाले तो ठीक है कर लीजिएगा, यूट्यूब वाले भी कर लीजिएगा, लेकिन मीडिया वाले क्या करेंगे? 2 करोड़ जिनको नियुक्ति देनी है वो हाथ पाथ धर के बैठे हुए हैं, बल्कि कंस्पिरेसी कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति कैसे बाधित है। ये साजिश षड्यंत्र चल रहा है कि पूरे देश में नहीं, दुनिया में 2.25 लाख लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, परीक्षा आयोजित कर ली गई है, ये कैसे रोक दिए जाएं, इसका षड्यंत्र चल रहा है। अब षड्यंत्र देखिए तो जो नफरत वाले हैं, नफरत वाले सामाजिक न्याय विरोधी तत्व जो हैं, उसका क्या काम है? जो देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं वही लोग हैं, और क्या? आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं भाई, आपको 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देनी थी, आखिर कहाँ रख लिए नौकरी को? हम तो पढ़ रहे थे नया का स्टैटिकल डाटा जी, 46% सेक्टर तो चला गया प्राइवेट, 46% सेक्टर चला गया प्राइवेट को, सरकारी उपक्रम चला गया प्राइवेट को, तो नौकरियाँ कहाँ देंगे आप? अब दे ही नहीं सकते हैं, वह 4 साल वाला आयवास सुनते हैं उसको भी, अब हाँ 4 साल वाला देखे ना, जन सुनवाई हमारी पार्टी विभिन्न मंत्रालयों का लगातार करती है, और आज शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का मंत्रालय का था आज जन सुनवाई। इसमें मैं जो देख रहा हूँ ज़्यादातर समस्या स्थानांतरण का आता है और प्रमोशन का आता है, स्थानांतरण प्रमोशन और अभी अनुकंपा का आता है। ये स्थानांतरण का मामला वर्षों से पड़ा हुआ है, स्थानांतरण का आदेश निर्गत हो चुका है, NIC पोर्टल, NIC को काम भी मिल गया है पोर्टल बनाने के लिए, और उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई की हो इसके लिए विभाग लगी हुई है, आवेदन एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए। आदेश कब का हुआ है? आदेश आज का नहीं है, वो 2 महीना पहले का हुआ है, क्योंकि ये नियुक्ति नियाली में सारे लोग लगे हुए हैं, पूरा विभाग लाखों लोगों को नियुक्त करने में, आप सबको पता है कौन अदालत में 1,78,000 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया, वो पूरा विभाग उसी में अपना एनर्जी लगा रही है। दूसरा है कि फिर लगभग 60-70 हज़ार के आसपास वैकेंसी होने जा रही है, ये टीचिंग का, आप सबको पता है STT एग्ज़ाम उसी के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि वो माध्यमिक विद्यालयों में उसकी नियुक्ति होनी है, इस तरह से। लेकिन ज़्यादातर केस आ रहे हैं अनुकंपा के, अनुकंपा लंबे समय से क्या कहते हैं बाधित है। नई नियुक्ति नियमावली जो बनी 2023 में, वो 23 नियमावली में अनुकंपा के संबंध में लिखा गया है कि बाद में इस पर शीघ्र निर्णय किया जाएगा, जो नहीं हो पाया है। खैर, हम लोग विभाग इस पर काम करेगी, अनुकंपा के नियम कानून को किस ढंग से बनाया जाए, निर्देश भी दिए गए, आज की आवेदन आया है उसमें भी निर्देश दिए गए हैं। तो मूलतः ये 3 केस ज़्यादा आते हैं, प्रमोशन के, स्थानांतरण के और अनुकंपा के। ज़्यादातर केस आप लोग भी देखे, 50 की संख्या अनुकंपा वाले थे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।